हेलो दोस्तों आज फिर आए हैं नए वीडियो के साथ हम हैं आपके साथ आज बहुत ही खूबसूरत प्लान के बारे में बात करेंगे जून प्लान के बारे में बात करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत प्लान होता है बहुत ही खूबसूरत फूल होता है इसमें सो so गाइस अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि पौधा हम किस तरह से लगाते हैं कार्टून में सबसे पहले कार्टून में देते हैं हाफ इंच बालू उसके बाद हम जो है गोबर और मिट्टी मिक्स करके हम लगाते हैं उसके बाद भर्मी कॉम्पोस्ट देते हैं नीम की खली देते हैं सरसों की खली देते हैं और धान की भूसा देते हैं जिसको टोस बोलते हैं आप सोगाइस so आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से पौधा जो है ग्रो हो चुका है और इस तरह से हम लगाते हैं सारा पौधा वगैरह कार्टून में अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पौधा ज़रूर लगाएं आज हम बात करेंगे अर्जुन फ्लावर प्लांट के बारे में ऐसे तो इसका बहुत सारा नाम है जैसे अर्जुन फ्लावर और अर्जुना फ्लावर प्लांट और टर्मीना लिया अर्जुना प्लांट ये भी बोला जाता है और इसको बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है इसको आप प्राइड ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं और इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं एक टहनी को अगर आप कटिंग करके आप आ, किसी पॉट में आप लगाएंगे तो उससे भी आप पौधा ग्रो कर सकते हैं इस तरह से उनको पौधा एक पौधा से आप कई पौधा बना सकते हैं और इसमें फूल जो होता है अर्जुना प्लांट में कब फूल देना शुरू करता है मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर में ये पाँच चार पाँच छः महीना जो है इसमें फूल रहता है कंटिन्यू और बहुत ही खूबसूरत फूल होता है इसमें आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल भी हो चुका है और जो है इसमें कली भी आ चुका है कि बहुत सारा इसमें भी फूल होगा सो तो गाइस आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों आपको पता होगा ये आयुर्वेदिक दवाई भी बनता है इस पौधा से और इसका पत्ता से भी जो है बनता है और छाल से भी बनता है और फूल के बाद जो है फल हो जो होता है उससे भी जो है आयुर्वेदिक दवाई बनता है गाइस so आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से पौधा हो चुका है इससे पौधा से भी जो है इसका छाल से बनता है पत्ता से बनता है और इसका जो है फूल के बाद जो फल होता है उससे भी जो है आयुर्वेदिक दवाई बनता है गाइस so आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से पौधा ग्रो हो चुका है कार्टून में हम किस तरह से लगाते हैं वो सारा जानकारी आपको हम देते ही हैं हर वीडियो में और गाइस so किस तरह से लगाना है कैसे लगाना चाहिए वो सारा जानकारी हर वीडियो में आपको देते हैं कार्टून में तो सबसे पहले बालू देना ही है क्यों देना चाहिए वो भी हम बताते ही हैं हर वीडियो में आपको अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके हम कार्टून में लगाए हुए हैं कितना खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं फूल भी हो चुका है और कटिंग से भी इसका पौधा ग्रो कर सकते हैं कटिंग से कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताते ही हैं कि अर्जुन प्लान ये बहुत ही खूबसूरत प्लान होता है आप लोग भी अपने गार्डन में जरूर लगाएं बहुत ही खूबसूरत एक पौधा अगर आप नर्सरी से लाए हुए हैं तो एक पौधा से आप कई पौधा बना सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक